मेरी बेटी की शादी के दिन की छोटी सी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, आप जरूर देखेंगे। शादी की कई रस्मों के बाद फाइनली आज शादी का दिन आ ही गया है और मेरी भांजी की बारात भी आ रही है। हम लोग बाहर खड़े हुए हैं, उसके बाद द्वार पूजा होगा। पंडित जी द्वार पूजा की सारी तैयारियां करके बैठे हुए हैं और हम लोगों ने शादी गेस्ट हाउस से की थी। नंद का घर थोड़ा छोटा है तो दिक्कत होती है, इसलिए गेस्ट हाउस से हम लोगों ने शादी की। तो सारी व्यवस्थाएँ गेस्ट हाउस में है। ये द्वार पर कलश सजे हुए हैं और सारी लेडीज़ें बारात देख रही हैं। अभी बारात थोड़ा दूर है, धीरे धीरे आ रही है गेस्ट हाउस के पास। तो आप लोग भी मेरी बेटी की शादी में शामिल होइए। बारात का स्वागत हो चुका है, अब पंडित जी द्वार पूजा कराने जा रहे हैं। तो दूल्हे राजा यानी हमारे जमाई राजा बैठ गए हुए हैं द्वार पूजा के लिए। पंडित जी ने मंत्र उच्चारण के साथ द्वार पूजा कराई। अब इसके बाद जयमाल होगा। तो मैंने द्वार पूजा की रिकॉर्डिंग शॉर्ट में दिखाई, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। तो आप लोग अब जयमाल देखिए। मेरी बेटी और जमाई बाबू स्टेज पे आ गए हैं जयमाल के लिए और गंगा आरती के साथ ही इन लोगों का जयमाल हुआ, तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी देखिए गंगा आरती के साथ मेरी बिटिया का जयमाल। जयमाल के बाद सभी लोगों ने खूब डांस किया, तो आप लोग सबका डांस देखिए। आइए मामी जी, चाची जी, भाभी जी, सभी लोग यहाँ पर तैयार हैं और सभी लोगों को राउंड में चलते हुए डांस करना है, ठीक है मैम? रेडी? और ट्रैक होगा शामी ट्रैक लगाएंगे भाई, शामी हिंदी वर्जन, शामी पुष्पा मूवी का शामी, ठीक है मैम? हम भी है साथ में और सभी लोग इंजॉय करेंगे। और वो देखिए और भी प्यार प्यार से लोगों का आगमन हो रहा है। सो रेडी है आप लोग? कम ऑन एवरीबॉडी। सभी लोगों ने खूब बारी बारी से डांस किया, फोटोग्राफी हुई, फिर उसके बाद चढ़ाव की तैयारी हुई। तो चढ़ाव के सारे सामान आ गए हैं मंडप में रखा हुआ है, बेटी के लिए ज्वेलरी, सिंदूरा, साड़ियाँ और श्रृंगार का सामान, बहुत सारा सामान बेटी के लिए चढ़ाव में आया था। और पंडित जी मंत्र द्वारा इसको बेटी को सौंपेंगे। अब चढ़ाव के बाद कन्यादान की रस्म होगी। चढ़ाव की रस्म पूरी होने के बाद अब कन्यादान का समय आ गया है, तो आप लोग देखिए कन्यादान की रस्म। भैया सब लोग एक बार इधर देख लें, भैया सब लोग इधर देखिए। कन्यादान के बाद बेटी को जमाई के बगल में बैठा के शादी की पूरी रस्म की जाती है। इसके बाद घर के सारे मेंबर बारी बारी करके बेटी के पांव पूजे और हम लोगों का भी नंबर आया तो हम लोगों ने भी बेटी के पांव पूजे। बेटी के पांव पूजने के बाद पंडित जी का हम लोगों ने आशीर्वाद लिया, तो पंडित जी को कुछ दक्षिणा दिया और हम लोगों ने आशीर्वाद लिया, फिर दूसरे लोगों ने पांव पूजे। तो इसी तरह शादी का कार्यक्रम चलता रहा। अब आई फेरों की बारी।
फेरे पड़ने लगे हैं आप लोग बेटी के, फिर देखिए और फेरों के बाद जब सिंदूर की रस्म हुई तब बुआ सास ने बहुत ही सुंदर सा गीत गाया, तो आप लोग सुनिए। और इस तरह अब कन्यादान भी हो गया, फेरे भी हो गए हैं और दामाद ने बेटी को मंगलसूत्र पहनाया, सिंदूर लगाया, तो इस तरह शादी संपन्न हो गई है। अब हम लोगों के यहाँ लास्ट में बेटी के ससुराल की तरफ से जो बड़े बुजुर्ग होते हैं गोद में फल और मेवे डाल के अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं और सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद दिया उन्होंने। और इस तरह शादी के बाद हम लोगों के यहाँ कोहबर में दूल्हा दुल्हन को ले जाके बैठाते हैं, वहाँ पर गोबर की पूजा कराते हैं दूल्हे से और पंसा खिलाया जाता है। तो देखिए हम लोग यहाँ कैसे पंसा खिलाया जाता है। भैया खिला दे, डाली पूरा खा लेते हैं। पहले बाती मिला जाए, कौन सा? हाँ पहले बाती। बस 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 आप भी पिला, आप भी पिलाइए, डाली दो। हाँ मम्मी पिया लगा सही से, पी ले पानी पिए जाओ, खाए जाओ। अरे पकड़ बिट्टी, आपको बनाओ साथ। फिर इसके बाद दूल्हे को खिचड़ी पे बैठाया जाता है, जहाँ दूल्हा को खिचड़ी खिलाया जाता है और वहाँ पर भी उसको कुछ नेक दिया जाता है। तो
तो कुछ लेडीज़ें खिचड़ी खाते समय गारी गीत गाती हैं। आप लोग एक छोटा सा गारी गीत सुनिए। थैली में तो गिफ्ट दे है, थैली में दे ना जी, अब नहीं दे बनाने का, जा बनाएंगे, जा बनाएंगे, जा बनाएंगे, जा बनाएंगे, हम उठे तो उसमें जा 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 ये मौसी जी हैं, मनोज सुनबा ना करिए, ये मौसी जी हैं, कह रहे हैं ये मौसी जी हैं भाई, खाने में मत रखो। और इन सारी रस्मों के बाद लास्ट में बिटिया की विदाई का समय आया, जिसमें सभी की आंखें नम हो जाती है, माँ का दिल बैठ सा जाता है। सारी रस्मों को हम लोग खुशी खुशी मनाते हैं, लेकिन जब विदाई के समय आता है तो सबकी आंखें नम हो जाती है। विदाई से पहले हम लोगों के यहाँ एक परछन की रस्म होती है, तो मंडप में दूल्हे को भी बुलाया जाता है। तो आप लोग देखिए हम लोगों के यहाँ कैसे परछन की रस्म होती है।
और परछन के बाद बिटिया सबसे गले मिली और अपने नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए अपने ससुराल चली गई अपने साजन के साथ। फ्रेंड्स, मेरी बिटिया को आप लोग आशीर्वाद दीजिए, उसका जीवन सुखमय रहे, सदा सुखी रहे। फ्रेंड्स, मैंने शादी की वीडियो बहुत ही शॉर्ट करके बनाई, नहीं तो बहुत ही लंबी हो जाती। मैंने कुछ खास पलों को ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।